हाय फ्रेंड्स, आज केक बनाते हैं हम। अगर आपके घर में ओरियो बिस्किट्स पड़े हो तो हम उसका तुरंत ही इंस्टेंट केक बना सकते हैं। आपको बिल्कुल भी ना उसमें मैदा चाहिए होगा, ना बटर चाहिए होगा, इतना झंझट ही नहीं। बिस्किट्स लो, चर्न करो एंड केक रेडी। एंड केक बनाने के साथ मैं आपको चॉकलेट गनाश बनाना भी सिखाऊंगी। आप कोई सा भी केक बनाओगे तो आप उसको इजीली डेकोरेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये मैंने ओरियो बिस्किट्स निकाल के रखे हैं। इसको हम मिक्सी में पीसेंगे क्योंकि हमारा जो बैटर बनता है केक का, उसमें मेन पार्ट यही होता है। तो हम मिक्सी में ओरियो बिस्किट्स डालेंगे उसकी स्टफिंग के साथ ही, एंड देन पाउडर शुगर डालेंगे। ये देखिए हो गया है, पाउडर फॉर्म में आ गया है। अब हम इसको खाली करेंगे एक ग्लास बोल में। तो देखिए इसका कंसिस्टेंसी ऐसा होना चाहिए, एकदम पाउडर बन गया है ये। अब हम इसमें कॉफी पाउडर डालेंगे। तो कॉफी पाउडर से ना चॉकलेट का फ्लेवर एनहेंस हो जाता है केक में। लेकिन अगर आपको कॉफी पसंद नहीं हो या आपके पास कॉफी पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। एंड ये बेकिंग पाउडर। अब हम इसमें धीरे धीरे दूध डालेंगे। हमको एक बार में सारा दूध नहीं डालना है, हम धीरे धीरे करके डालेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे ताकि एक अच्छा सा बैटर बन जाए। अब मैं इसमें बाकी दूध भी डाल रही हूँ धीरे धीरे। अब हम ना इसको अच्छे से 2-3 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। तो बेसिकली हमको ये देखना है कि इसमें कोई लम्स ना बने और इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी सी हो जाए। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है, हमने दूध पूरा डाल दिया है इसमें। अब हम क्या करेंगे, ये जो ओरियो बिस्किट्स है उसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे ऐसे। अब हमने ये जो छोटे छोटे पीसेस करे ओरियो बिस्किट्स के, ये भी हम अपने बैटर में डालेंगे। एंड अच्छे से अब इसको मिक्स करेंगे। हमको वो जो इलेक्ट्रिक ब्लेंडर आता है उससे मिक्स नहीं करना है केक को, हमको हाथों से ही इसको करना है मिक्स। ये देखिए केक का कंसिस्टेंसी ऐसा होना चाहिए। ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया है ओरियो केक का बैटर। अब मैंने ये बेकिंग टिन लिया है, मैंने इसमें ग्रीसिंग कर दिए है, बैटर को इसमें डालूंगी। फिर हम इसको ऐसे टैप कर देंगे। और एक और चीज, जब आप बेकिंग टिन को ग्रीस करेंगे तो उसके ऊपर थोड़ा सा आटा या मैदा स्प्रिंकल कर दीजिए, उससे केक चिपकता नहीं है। और अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, फिर आपको वो आटा डालने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको बेक करने लगाते हैं। हम 180 डिग्री सेल्सियस पे इसको बेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके पहले जल्दी से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कुक विद ट्रैवल फोंडू, और नीचे जो सब्सक्राइब बटन आ रहा है ना वीडियो के, उसको दबाइए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। केक हो गया है, इसको निकालते हैं। अब हम इसको टूथपिक की मदद से देखेंगे कि ये पूरा बेक हो गया है या नहीं। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं निकला है, मतलब अच्छे से बेक हो गया है। अब इसको हम ठंडा करने रखेंगे। तो जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है, हम यहाँ पे गनाश बना लेते हैं, जिसको आप कोई भी केक के ऊपर गनाश स्प्रेड कर सकते हैं और आपका केक बहुत सुंदर हो जाएगा। तो आज हम अपने ओरियो केक में भी गनाश लगाएंगे। तो उसके लिए मैं डार्क चॉकलेट लूंगी, उसके पीसेस करूंगी। तो ये हमने चॉकलेट के टुकड़े कर लिए हैं। अब हम एक ग्लास बोल में इसको डालेंगे। अब इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे। अब हम इसको माइक्रोवेव करेंगे। तो मैं ये गनाश माइक्रोवेव में बना रही हूँ। अगर आप लोगों के पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप डबल बॉयलर के प्रोसेस के थ्रू भी आप इसको बना सकते हैं। तो जो डबल बॉयलर का जो प्रोसेस है, मैंने एक वीडियो में दिखाया था, मेरा जो वीडियो है चॉकलेट कोकोनट लड्डू, उसमें मैंने पूरा प्रोसेस दिखाया था डबल बॉयलर का। मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी।
ये हमने माइक्रोवेव कर लिया है। अब इसको हम मिक्स करेंगे। अब इसमें बटर डालेंगे एंड मिक्स करेंगे कि अच्छी सी एक स्मूथ कंसिस्टेंसी बन जाए। तो देखिए केक ठंडा हो गया है, मैंने उसको बेकिंग टिन से निकाल दिया है। अब जो हमने गनाश बनाया था, अब हम उसको ऊपर केक के लगा के डेकोरेट करते हैं। तो ये हमारा ओरियो केक विद डेकोरेशन इज रेडी। लग रहा है ना एकदम टेम्पटिंग। वाव, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब हम इसको कट करते हैं। चलिए अब देखते हैं कैसा बना है। एंड ये देखिए कितना सॉफ्ट एंड कितना फ्लफी बना है ये केक। सो फ्रेंड्स, इफ यू रियली लाइक दिस रेसिपी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल कुक विद ट्रैवल फोंडू।